ऐसे लग रहा है तू युगांडा से आया। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। So yo, what's up YouTube? Welcome back to Fukra Insaan Channel. Fukra Insaan ने हमें बहुत सारे challenges दिए हैं। अगर एक घंटे में 1,00,000 रुपए आप खर्च देते हो, 2,00,000 एक घंटे में खर्च लिया। ये सुबह ये काम करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं उसे 1,00,000 रुपया देता हूँ। 1,00,000? मैं तो उसे 2,00,000 दिए थे, मैं तो 2,00,000 दूंगी। अरे मैं कह रहा हूँ, अबे मैं कह रहा हूँ मत दो, फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हैं। लाख फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हैं। लाख 2,00,000 रुपए कितने टाइम के लिए? एक घंटे के लिए। अपने तो अपने होते हैं। अरे सुन, 1,00,000 रुपए मैं दे रहा हूँ, 1,00,000 रुपए तू दे। 1,00,000 रुपए दूंगी ठीक है? 2,00,000 रुपए पर खर्च नहीं एक घंटे में, मुझे दे दो 2,00,000 रुपए। ऑनलाइन कोई उसको चैलेंज नहीं मिलेगा, उसने हमें ऑनलाइन दिया था, हम नहीं उसको देंगे, ऑफलाइन जाके वो करेगा। 12:30 बज रहे हैं, 12:30 से 1:30 बजे तक उसे हमारे को सामान ला के दिखाना है। अगर नहीं दिखाएगा तो 2 के 4 वापस देगा। ये का डबल, तू भी एक का डबल करता है। ये 1,00,000 मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से, और हमारे पास इस बार है भी 100-100 की गड्डियां। अभिषेक तेरा ये ले, ले 2,00,000 रुपए मेरी तरफ से, 1,00,000 रुपए मम्मी की तरफ से, और फाइनेंसर हमारा निश्चय मलन है, और इसे 2,00,000 चाहिए। 2,00,000 को तूने एक घंटे में खर्च करना, पर ऑनलाइन नहीं करना, ऑफलाइन करना है। आज तेरी किस्मत खुल गई भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता।1:30 यहाँ मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, एक घंटे का मेरे पास टाइम है और ये खर्च नहीं है, तो लेट्स सी हम कितने टाइम वेस्ट कम करते हैं, कितने टाइम में हम कर पाएंगे। सबसे पहले तो मेरे को ये देखना है, नहाने जा रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि अभी वीडियो में बहुत बुरा लग रहा हूँ, स्मार्ट भी तो लग रहा है। चलो, अरे नहाने जा, नहाने जा। टावल आ गया, 5 मिनट में नहाना, अब अंदर मत आ जा। A few minutes later. Okay, तो मम्मी ने रेडी कर दिया। वैसे मम्मी ने बहुत सारे बैग निकाले थे, मैंने ये पिट्ठू बैग उठा लिया है, और 6:30 हो गए, हमने 6:30 वेस्ट कर दिया। बट मम्मी आशीर्वाद दो, मैं चला। 2,00,000 पूरे खर्च के आई हो, नहीं तो 4,00,000 वापस दे दियो। भाई ये बहुत ज्यादा डेंजरस गेम होने वाली है, यहाँ से चलते हैं, मैंने कुछ नहीं सोचा। वापस लेट्स गो। अबे ये कैसे पड़ा हुआ भाई, आ जाओ आ जाओ। ऑल राइट, तो मैं निकल गया हूँ घर से झोला लेके 2,00,000 रुपए का, एंड पहले मैंने बहुत सोचा मेरे को क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो मैंने पहले डिसाइड करा सबसे पहले चलते हैं यहाँ से अपने फेवरेट स्टोर पे, एडिडास के स्टोर पे, और वहाँ से कुछ अच्छे कपड़े या शूज लेते हैं। तो पहले मैंने देखा था ब्लैक वाला, एंड अब मैंने लिया नियॉन वाला, एंड मैं कंफ्यूज हूँ नियॉन लूँ ब्लैक लूँ। वैसे मेरे पास बजट तो बहुत है, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई है, एंड आई थिंक नियॉन इज ऑल्सो लुकिंग गुड। आप कमेंट सेक्शन में बताना, अभी मैं कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा, नियॉन लूँ या ब्लैक। वो 7,000 का था, ये 14,000 का डबल। तो मैंने दोनों ट्रैक सूट ले लिया, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सा लूँ, नियॉन वाला या ब्लैक वाला। नियॉन वाला 14,000 का था एंड फ्रेश में था, बट जो हमारा ब्लैक वाला था उस पर 50% डिस्काउंट था, वो भी 14,000 का था, बट उस पर 50% डिस्काउंट लगा और वो 7,000 का मिला, तो 21,000 हमारे लग चुके हैं। अभी भी 1,80,000 रुपये हमारे पास पेंडिंग है। झोला लेके मैं घूम रहा हूँ, थोड़ा स्लो बोलते हैं और लेट्स गो। अ फ्यू इंचेस लेटर। ओके, तो मैंने सोचा कि मैंने आउटफिट तो पूरा चेंज कर ही लिया है, तो मैं एक बार अपने सनग्लासेस भी चेंज कर लूँ। कौन सा बढ़िया लग रहा है, ये सही लग रहा है? और दिखाना, ब्लैक कलर में दिखाना, बढ़िया ये वाला दिखाना, ये बढ़िया लग रहा है मेरे को। मैं इसको देखूं, ओए होए होए होए, आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय हाय। ओके, तो अब ये भी ले लेता हूं, मैं 3 चश्मे ले रहा हूं, 2 व्हाइट 1 ब्लू, और 250 250 250 750 रुपए हमारे लगने वाले हैं।
आगे चलते हैं। अभी भी मेरे पास बजट बहुत सारा है, तो मैं सोच रहा हूँ या तो मैं शूज ले लूँ या फिर और क्या ले सकते हो, समझ नहीं रहा, शूज ले लूँ या रिंग ले लूँ। और उसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे एंड वहाँ पर हम देखेंगे कि हम आईफोन लेते हैं क्या लेते हैं। मेरा मन कर रहा है वैसे फ़ोन चेंज करने का, आईफोन 11 प्रो मैक्स से आईफोन 12 प्रो मैक्स पे जा सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं। भाई भी मेरे को कह रहा था कि भाई उनके कैमरा के लिए कुछ अलग चीज़ें ले आओ, तो लेट सी क्या करते क्या नहीं। यहाँ से चलते हैं, पहले कुछ कपड़े मतलब शूज़ भी चेंज कर लेते हैं, जब ऊपर से नीचे सब चेंज करा तो शूज़ भी क्यों रहने देने, लेट्स गो। दो बढ़िया पेयर दिखा दो, मतलब बेस्ट पीस दिखा दो। ये बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने शूज़ पसंद करे हैं ये अराउंड 15,000 के एंड मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मैं इसका एक और साइज़ मंगवा रहा हूँ, इससे अगर वो छोटा हुआ तो वो ले लूँगा, नहीं तो ये ले लूँगा। ऑल राइट फैमिली, तो मैंने 15,000 रुपये के ले लिए जूते एंड मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली, क्योंकि 15,000 के जूते ले लिए एंड ऊपर से नीचे मैं बदल गया हूँ। मैंने अपने ग्लासेस अलग ले लिए है, ट्रैक सूट चेंज कर लिया, शूज़ चेंज कर लिया एंड अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं एंड हम भाग रहे हैं यहाँ पर। अभी भी हमारे पास बहुत बजट बचा है, कितने ही पैसे खर्चे हमें बहुत है, 1.5 लाख से ऊपर पैसे बचे हैं भाई, लेट्स गो। 1,65,000 समथिंग है, कहीं और चलते हैं, भरो भाई सामान भरो, घर जल्दी पहुँचना, लेट्स गो, कम ऑन रन। अब हमने 1,000 रुपये खाने पे खर्च दिए, सीसीडी में हम बैठे हैं, हमने ऑर्डर कर दिया है एंड इसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके ले जाए। अभी मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या लेना चाहिए, फोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो लेट्स सी कैसा होता है क्या नहीं। यहाँ कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है, पेट पूजा फिर काम पूजा। लेट्स गो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, लेट्स गो। बट 10-12 लाख 30-31 एक को मैं जा रहा हूँ शिमला एंड उसकी बुकिंग होने वाली है एंड फिर मम्मी पापा से बार बार पैसे लूंगा ना तो कसम से छक्कर पड़ेंगे। मैं उनको कहूंगा बुकिंग हो गई है, मैं जा रहा हूँ और मैंने पैसे दे दिए। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ गाड़ी में एंड मैं निश्चय भाई से एक बार बात करता हूँ और वो मेरे को डिसाइड करेगा, लाइक वो मेरे को बताएगा मेरे को क्या लेना चाहिए क्या नहीं। लेट्स मेक द रन, जल्दी जल्दी जाते हैं और जल्दी जल्दी डिसाइड करते हैं, लेट्स गो। रोनाल्डो भैया कर लो पैक करने वाला भाई घोड़ा, जितनी फजूल की चीजें लिया ना, एक तो पहले रोनाल्डो लिया, फिर एक स्पाइडरमैन जैसा डेडपूल ले लिया, स्पाइडरमैन जैसा डेडपूल, डेडपूल अलग है स्पाइडरमैन अलग है, बट इट्स फन। आज फुल अयाशी, फुल मजे। एक तो भाई ये कोरोना प्लीज दूर चले जा भाई, 1 लाइक फॉर कोरोना टू गो अवे, जितने लाइक करोगे उतनी जल्दी कोरोना दूर जाएगा। कर दो भाई, कर देना। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का तबाह कर, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। Later that same evening. भाई अरे सुन, टाइम वेस्ट मत कर, टाइम बहुत कम है, तो मेरे को कोई ऐसी आइटम बताओ जिसमें मैं 1.5 लाख रुपए खर्च दूं, मेरे पास 1.5 लाख रुपए बचे हैं और कोई बढ़िया चीज भी आ जाए। भैया हमारे पास टाइम कम है, ऐसा करते हैं 90D को बुक करते हैं एंड इसके साथ हम किट वाला लेंस भी ले लेते हैं, तो 1.25 लाख रुपए हमारे हो जाएंगे। एंड एक बार आप दिखा दो माइक कौन सा है कौन सा नहीं। अच्छा, हमारे पास माइक है वो 20,000 भैया, ऐसा जितने का जल्दी पैक कर दो, टाइम कम है, घर जाना है, नहीं तो घर वाले ना डबल पैसा वसूली करें। कितना हो गया? 1,44,000 भैया, भी असले यार सब असले। तो ये इंसानों के बाप ने ऐसा करके दिया, हमें कैश पकड़ा दिया 1.5 लाख रुपया, 1,40,000 और 1,44,000 एंड एक क्वेश्चन सबसे, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। ये एक बैटरी है, एक एक्स्ट्रा है इसकी, कितने की है? 7,500 6,000 रुपये बचे थे, ये भी ले लेते हैं भाई, कर दो भैया इसकी एक्स्ट्रा बैटरी भी कर दो।
एक बैटरी हमने और ले लिया एक्स्ट्रा, और हमने अपने मतलब जो बजट था उससे 1500 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिया, एंड वी हैव स्पेंड 2 लाख रुपीज इन 1.5-2 घंटे, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हमने। बढ़िया, आई फेल्ड दिस चैलेंज। इतना आसान नहीं है भाई इतनी जल्दी पैसे उड़ाना, सोचना पड़ता है क्या लेना है क्या नहीं, यार समझ ही नहीं आता क्या लेना है। बट लेट्स सी मॉम डैड का क्या रिएक्शन होता है। ओके फाइनली मम्मी आई एम हियर, आई स्पेंट 2 लाख, मैंने पूरे 2 लाख रुपए खर्च दिए मम्मी। हाउ डू यू फील? तो 1 घंटा दिया था तेरे को, 4 घंटे बाद आया चैलेंज को, यहीं पे ही हार गया तू। यार मैं गलती से ना सीपी चला गया था, मैंने सोचा था मैं पहुंच 20 से 25 मिनट में गया था, पर आते आते लेट हो गया, वो बस आने जाने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। हमारी भी आने जाने में टाइम। आप लोगों को मेरे साथ चलना चाहिए था ना। अच्छा छोड़ो, आप सब बताओ ये मेरी जो आउटफिट है कितने की आउटफिट पहनी हुई है बताओ। ऐसा लग रहा है तू युगांडा से आया है। मम्मी मैं आपको बादशाह नहीं लग रहा? बास्केटबॉल प्लेयर लग रहा मेरे को। ये वैसे आपको क्या लगता है कितने की होगी ऊपर जैकेट और ये मिला के? होगी 5-6 हजार से कम तो दी होगी जैकेट और ये मिला के। तो मूड खराब कर दिया। पापा आप क्या कहते हो? 10 से ज्यादा 2 हजार। मैं क्या करूँ, मर जाऊ, मेरे को फीलिंग नहीं है। ये 14 हजार रुपए का ऊपर नीचे है अपर एंड लोअर मिला के। पैसा बर्बाद। दोनों की शक्ल देखो भाई, एडिडास ओरिजिनल्स। चलो ओके, ये शूज आप बताओ कितने के लगते हैं आपको? नाइकी के। शाबाश, ऐसा है आई एम गोइंग, मैं मरने जा रहा हूँ, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, इनको लग रहा है मैं नकली लेके आऊँ, मतलब इतनी मेहनत करके अच्छे शूज लेके आऊँ, कह रहे नकली लग रहे हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप नाइकी के ओरिजिनल्स हैं, मम्मी कितने लगते हैं आपको? आई थिंक आगे तो हमें बढ़ना ही नहीं चाहिए, ये यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए। एक मैं ब्लैक भी लेके आऊँ ट्रैक सूट इसके साथ का निश्चय के लिए, कोई मेरी फीलिंग नहीं समझता। 15 हजार का ये बाकी देखो मैं क्या लाऊंगा। ये भी शूज भी होंगे 10-12 हजार। कितना बोला? 10-12 हजार के तो शूज। 15 हजार के शूज हैं ये। मम्मी यू आर वेरी नियर। पापा रह दो, फिर मैं लेके आया हूँ कैनन का नया कैमरा मम्मी, 1.5 लाख रुपए का। क्या होता है कि आप भी रिकॉर्ड करते हो, आप फोन से रिकॉर्ड करते हो, मैंने कहा कि कैनन G7X अब आज से आपका और कैनन ये मेरा। शाबाश बेटा, शाबाश। बाकी आप प्यार से दिल से आपको जो रखना रख लो, बाकी देखो मैं ट्रिगो के लिए एक ब्लैक का वो लेके आया अपर लोअर, और मैं ट्रिगो के लिए लेके आया रोनाल्डो। ये होगा 500 रुपए का। आप लोगों ने ज्यादा बताया, इसकी वैल्यू ज्यादा लगी। ओनली चीज जिसकी वैल्यू ज्यादा लगाई है इन्होंने यार, ये हो गया मेरा। चलो मम्मी आप रखो कब्जा। इसमें पता क्या है, माइक भी है प्रॉपर, मिस्टर बीस्ट वाला माइक भी लेके आऊंगा। नहीं क्या कहते हैं, चकलो रिवॉल्वर रफला भी पै जाए। और मैं पापा के लिए एक सेक्सी चश्मा लेके आऊँ, आनंद भाई बनाऊंगा। पापा एक बार पहन के देखो, ओरिजिनल 100 रुपए का। ओहो स्मार्ट, 250। ऐसे मैं 2 चश्मे और लाऊं, वो उधर पड़े हैं थोड़े, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी मैंने 2 लाख रुपए पूरे खर्चे, वो अलग बात है, 1 घंटे में नहीं, घर से निकला 12:30, घर आया हूँ 5:30, तो 5 घंटों में खर्चा है। आई फेल्ड दिस चैलेंज। 2 लाख में 1 लाख रुपए का तो ये कब्जा हो गया। एक नहीं 1.5 लाख का है। 1.5 लाख का कब्जा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने चैलेंज हार दिया है, तो मेरे को इनको तीनों को मिला के, निश्चय भाई अभी ऊपर है अपना पीछे से मिल कर रहे, वो पापा देखो चश्मा पहन के कितना क्यूट लग रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन तीनों को 4 लाख रुपए दूंगा एक बार। इस वीडियो पे कर दो 1 मिलियन लाइक्स 100%, क्योंकि आई फेल्ड दिस चैलेंज। बाकी करना भाइयों और बहनों, मम्मी आप भी अर्जी डाल दो, बोलो जरूर करना भाइयों, जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं गरीब हूँ लाइक कर देना।